बात करने वाला डीपीआई क्या होता है और किस तरह से आप अपने फोन में इंक्रीज कर सकते हैं, तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक इंद्रावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं डीपीआई क्या होता है। जयपुर डीपीआई का पूरा मतलब निकल गया था डॉट पर इंच, कुछ इस तरह से जैसा कि इसमें देख सकते हैं। तो यह जितने भी यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जितने भी यहाँ पर फोटो प्रिंट होते हैं, आपने देखा होगा कि यदि मान लीजिए हाई डीपीआई रहती है तो सिंपली आपका जो कि फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी होता है बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जयपुर। तो इसी तरह से जो कि आपका डिस्प्ले होता है इसमें भी आपको डीपीआई देखने के लिए मिल जाता है। जयपुर की आपका फोटो है, आप ज़्यादा डीपीआई करके आप अपने फोन में देख रहे हैं तो उसमें क्वालिटी आपको अलग देखने के लिए मिलेगी, जयपुर उसमें क्लियरिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो सिंपली डीपीआई के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्या मेथड है, किस तरह से आप अपने फ़ोन में डीपीआई को इंक्रीज कर सकते हैं जापान। तो सिंपली डीपीआई को इंक्रीज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर आ जाना होगा और प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा डीपीआई इंक्रीजर, कुछ इस तरह से जैसा कि इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें से आप देख सकते हैं जो कि ये वाला सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा जहाँ पर। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। तो इसे ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद यदि मान लीजिए जो कि आपका फ़ोन है, यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपका फ़ोन है वह रूटेड होना चाहिए। यदि मान लीजिए रूट नहीं है तो आप डीपीआई को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं जहाँ पर। यदि मान लीजिए रूटेड है तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए रूट करना नहीं जानते हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके बहुत ही आसानी से आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं जहाँ पर। रूट करने के बाद जितने भी यहाँ पर आपके फ़ोन में कंपोनेंट लगे होते हैं उसके साथ आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपका फ़ोन रूटेड है तो यह सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा और रूटेड नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एरर देखने के लिए मिलेगा, दिस डिवाइस इज नॉट रूटेड। यहाँ पर यदि मान लीजिए रूटेड है तो बहुत ही आसानी से इसमें आप डीपीआई नंबर डालेंगे कुछ इस तरह से और जो कि आपका डीपीआई होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कि आपकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो ज़्यादा इंप्रूव आपको देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर। तो कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद डीपीआई को आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसकी वजह से जो कि आपकी इमेज क्वालिटी होती है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो हमें उम्मीद आप समझ गएंगे क्या मेथड है, किस तरह से आप अपने फ़ोन में डीपीआई को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।